हेलो गाइस, एक हफ्ते पहले हमने जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनी। ये आवाज एक खोखले पेड़ से आ रही थी। इसके अंदर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमने अपने स्मार्टफोन से उसमें देखा। वहां चिड़िया के दो बच्चे थे। उनके लाल सर से हमने पहचाना कि वो वुडपेकर यानी कि हुदहुद के बच्चे थे। उनमें से एक चूंचू कर रहा था और दूसरा कहीं घूर रहा था, और वहाँ उनकी माँ भी नहीं थी। हमें लगा कि आप में से बहुत से लोग इसमें दिलचस्पी लेंगे, इसलिए हमने हमारे इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया, क्योंकि वो यूट्यूब के लिए बहुत छोटा था। दो दिनों के बाद हम अपने दोस्तों से वापस मिलने आए तो हमने देखा कि उनका घोंसला गंदगी से भरा पड़ा था। अजीब बात थी कि उनके माता पिता ने घोंसला साफ नहीं किया। तब हमारे दिमाग में खतरे की घंटी बजी कि शायद इनके माता पिता इनके साथ नहीं है। वीकेंड पर हम ये देखने के लिए वापस आए कि क्या वो ठीक है। तब हमने देखा कि वो उसी गंदगी में पड़े हुए थे। इस बार तो गंदगी और बढ़ गई थी, इसकी वजह से घोंसले में नमी शुरू हो गई। जाहिर सी बात थी कि उन्हें भी इतनी गंदगी में रहना पसंद नहीं आ रहा था। हम 5 दिनों से लगातार उन्हें देखने जा रहे थे, पर हमने उनकी माँ को वहाँ कभी नहीं देखा। आखिरी बार जब हम उन्हें देखने गए तब उनके पेट और पैर गंदगी से भरे हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ कीड़े पनपने लगे थे। वो बहुत ही भयानक नजारा था। हमें डर था कि वो अजीब कीड़े बच्चों को नुकसान पहुँचाएंगे या उनका जिस्म खाना शुरू कर देंगे। सारे जोखिमों को ध्यान में रखते हुए हमने उन बच्चों को बचाने का फैसला किया। हम अगली सुबह उन्हें मुश्किल से निकालने आ गए। पेड़ का मुहाना बहुत तंग था, जिसकी वजह से हमारा हाथ अंदर नहीं जा पा रहा था। एक कन्नी लेकर हमने पेड़ पर बने इस मुहाने को चौड़ा करने के लिए इसकी लकड़ी के टुकड़े को काटना शुरू किया। दस मिनट के बाद मुहाना इतना बड़ा हो गया कि हमारा हाथ उसमें जा सके। फिर हमने उसमें हाथ डालकर बच्चों को निकाल लिया। उनके पैर और जिस्म गंदगी और बदबूदार चीजों से ढके हुए थे। हमने देखना चाहा कि अगर वो उड़ सके तो उन्हें आजाद कर दिया जाना ही बेहतर है, लेकिन वो नहीं उड़ सके। या तो वो बहुत कमजोर थे या पूरी तरह से बड़े नहीं हुए थे। हम समझ गए कि हमारा उन्हें अपने घर ले जाना ही बेहतर रहेगा। वो हैरान और डरे हुए लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने घोंसले के अलावा कुछ भी नहीं देखा था। घर पर पहले हमने उन्हें साफ किया और इस बॉक्स में रख दिया, जिससे ये गर्म और साफ रहें। लेकिन हमारे लिए अगला चैलेंज है इनको खाना खिलाना। हम उनके खाने की तलाश में निकल पड़े। हमें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या खिलाया जाए। हो सकता है कि वो देवदार के बीज, बलूत या मशरूम खा सकते हैं। एक पेड़ की डाली पर कैटरपिलर देखकर हमें समझ में आ गया कि उन्हें क्या खिलाना चाहिए। हमने तरह तरह के कैटरपिलर इकट्ठा करना शुरू किए। हमें ये करने में मजा तो नहीं आ रहा था, लेकिन और किया भी क्या जा सकता था। बच्चों को भूख जो लगी थी। 2 घंटे के बाद हम ढेर सारे कैटरपिलर लेकर घर वापस आए। कैटरपिलर बहुत फायदेमंद होते हैं और वो चिड़िया के बच्चे के बढ़ने के लिए बहुत जरूरी भी हैं। कुकी भी कैटरपिलर के साथ खेलना चाहती थी। बल्कि इसे खाना भी चाहती थी। हमने दस्ताने पहन लिए, क्योंकि इनके पंजे काफी नुकीले होते हैं। फिर हम इन्हें खिलाने की कोशिश करने लगे। शुरुआत में तो वो खाना नहीं चाहते थे, भले ही हमने उन्हें उनकी चोंच पर खाना दिया, लेकिन उन्हें निगलना नहीं आता था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में क्या करना चाहिए, लेकिन फिर हमने ड्रॉपर में पानी भरकर उनकी चोंच पर गिराया और हमारा ये आइडिया काम कर गया। अब ये पानी के साथ कैटरपिलर निगल रहे थे। अगले दिन उन्होंने बिना पानी के ही इसे खा लिया और 2 दिन के बाद उन्होंने खुद से कैटरपिलर लेकर खाया। और उसके 1 दिन बाद उन्होंने बॉक्स पर चोंच मारना शुरू कर दिया। शायद वो आजादी की उड़ान भरने के लिए तैयार थे। पहले हमने उन्हें कमरे में उड़ा कर देखा और उन्होंने दिखा दिया कि वो उड़ सकते हैं। अगली सुबह हम इन्हें छोड़ने के लिए उसी जगह पर वापस आ गए। रास्ते में हमने कुछ कैटरपिलर लिए और उन्हें खिला दिया।
फिर जैसे ही हमने पहली चिड़िया को पेड़ की छाल पर रखा, उसने ज्यादा नहीं सोचा और फौरन उड़ गई। बढ़िया, इसका मतलब ये आजाद जिंदगी जीने के लिए तैयार थी। अब देखते हैं दूसरी वाली क्या करती है। ये थोड़ा डर रही थी इसलिए ये उड़ी नहीं, बस हमारी तरफ देखकर पेड़ के और ऊपर चढ़ गई। फिर वो कूदते हुए पेड़ की दूसरी तरफ गई और फिर आखिरकार पहली वाली के साथ उड़ गई। लगता है कि वो खुश हैं और उन्होंने आसपास के पेड़ों में घुलना मिलना शुरू कर दिया है। कुछ देर बाद हम घर वापस चले आए। हमें खुशी है कि सब कुछ ठीक से हो गया। ये चिड़ियों को बचाने वाली हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग है। उम्मीद करते हैं कि बच्चे ठीक रहेंगे। गाइस, प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद बिना किसी वजह के किसी भी तरह की चिड़िया को बचाने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इसे सिर्फ कभी किसी मुश्किल हालात में ही कर सकते हैं।